सरफेस टेंशन। ये एक्चुअली इस पे पूरा पूरा चैप्टर ही है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिस इज डेल्ट इन वन चैप्टर ओनली। और अगर हम नूतन फिजिक्स की बात करें तो इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, ग्रेविटेशन के बाद आता है फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स को दो पार्ट में पढ़ा जाता है, फ्लूइड्स एट रेस्ट, फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है। फ्लूइड्स की जो एट रेस्ट वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, फ्लूइड्स का जो एट रेस्ट वाला पार्ट है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, एट रेस्ट इन मोशन, बहता हुआ लिक्विड, ये खड़ा हुआ लिक्विड। एट रेस्ट वाले के फिर दो हिस्से हो जाते हैं, ये बल्क और ये सरफेस। बल्क वाले की जो पार्ट होती है मतलब लिक्विड के अंदर, इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, लिक्विड का जो विस्कस फोर्स होता है वो सब हो गया, ठीक है। विस्कस फोर्स तो पहले यहां पर आ जाता है मोशन में, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, प्रेशर हो गया, बॉयंट फोर्स हो गया, ठीक है, बॉयंट फोर्स का दूसरा नाम अपथ्रस्ट हो गया, वो सब यहाँ पर। और एक हो जाता है फ्लूइड एट सरफेस, पर हम लोग ऐसा पढ़ते हैं लिक्विड के ऊपर खाली सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना लिक्विड की, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बल्क प्रॉपर्टी। ये जो सरफेस की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो आती है इन द कैटेगरी ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे हमारा बॉडी देखो सरफेस से कैसा होता है, एकदम स्मूथ, ठीक है, शांत, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर देखा जाए तो ये ब्लड वेसल, दो ब्लड वेसल, हार्ट, पंप, ये सब इतनी सारी चीज हो जाती है, ठीक है। तो कभी चेहरे से लगता है कि हम लोग, कि हमारे अंदर कभी ऐसे खून दौड़ रहा है, ऐसा तो कोई लगता नहीं है। हमारे सरफेस के और बाहर के अंदर के दोनों में फर्क आ जाता है। इन द सेम वे लिक्विड के अंदर की प्रॉपर्टी और लिक्विड की जो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन कहाँ की प्रॉपर्टी में पड़ते, सरफेस, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये जो सरफेस टेंशन होता है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है? देखो नाम में टेंशन आ रहा है, टेंशन वर्ड याद करो, फोर्स हमने पढ़ा था ना। अगर हमने कोई भी लिक्विड के सरफेस को देखा, लिक्विड के अगर हमने सरफेस को देखा तो हम क्या देखेंगे कि वहां पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं। इधर का मॉलिक्यूल जो ना इसको ऐसा खींच रहा होगा, ठीक है, और यहाँ का मॉलिक्यूल जो इधर के मॉलिक्यूल किधर खींच रहा होगा, ये फोर्स लग रहा है एक सरफेस, ठीक है। हमने कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, उसके परपेंडिकुलर ना सरफेस लग रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पे लग रहा है। मैंने खाली दो ही दिखाया यहाँ पे, हर पॉइंट पे इधर लग रहा है फोर्स और इधर लग रहा, ठीक है। सरफेस पे क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। ये जो फोर्स होता है ना विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितने ज्यादा इधर मॉलिक्यूल्स होंगे फोर्स भी तो उतना ज्यादा लगेगा, है ना। इधर मैंने फोर्स देखा प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर हमने मान लो यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी तो फोर्स यहां पे लग रहा है, इधर लग रहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इधर भी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ। हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि देखो मैंने ये बताया कि लिक्विड का अगर सरफेस देखा जाए, तुम मान लो पानी लेते हो ग्लास में, ऊपर से देखते हो पानी का, तुम्हें सरफेस ऐसा गोल सा दिखेगा। वो जो सरफेस जो होते हैं ना लिक्विड के ऊपर जो सरफेस होते हैं, वहां पर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ के रखा ना, इंटर मॉलिक्यूल्स के बीच पे फोर्स होता है। अब अगर हमने
यहाँ के मॉलिक्यूल्स को देखा तो ये वाले मॉलिक्यूल्स पे किधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स पे किधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स पे किधर लग रहा है फोर्स, इधर लग रहा है यहाँ पे। इन द सेम वे जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, यहाँ के हर मॉलिक्यूल पे इधर फोर्स लग रहा है ना, एट द सेम टाइम जो मॉलिक्यूल्स इधर है उन पे भी तो फोर्स लग रहा है इधर। ऑब्वियस ही बात है, जो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब पे किधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ये जो फोर्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। ये वाला फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये वाले सरफेस के मॉलिक्यूल, इधर वाले के मॉलिक्यूल, और इधर के इधर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स होता है, एक बात तो पक्की है, दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ना, आई कि ये बात समझ में। इधर वाले जितने, ये इधर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स जितने भी है सब ले लो इधर में, सब यहाँ के जितने मॉलिक्यूल्स है सब पे इधर लग रहा है, ठीक है, सरफेस पे जितने भी, ठीक है। कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, इधर वाले मॉलिक्यूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये जो फोर्स होगा ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक बात एक आइडिया ले लो, ये फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है इस लाइन की लेंथ, जितना ज्यादा ये लाइन का लेंथ होगा ऑब्वियसली बात है इधर मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कैसा होगा उतना ज्यादा होगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लगा दिया एस, ठीक है, दिस एस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर बाय एल, ठीक है। दिस इज द मेथ, This S is called as surface tension, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में अभी कच्चा पक्का ही बैठेगा, ठीक है, इसको तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। और मैं सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखा देता हूं, ठीक है, एक बार में नहीं बैठेगा, ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये, देखो। L मतलब लेंथ, जहां पे हमने देखा है ये लेंथ यहां पर भी हो सकता है, ये लेंथ यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यही पर, ठीक है। हम यहां पर देखेंगे ना, ठीक है, तो ये वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स लग रहा है उसको हमने इस लेंथ से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी वही वैल्यू आएगी एफ बाय एल की जो यहां पर आएगी वैल्यू, यहां पर या जो यहां पर आएगी, हर जगह अगर हमने दोनों तरफ फोर्स को नापा ना, ठीक है, तो फोर्स बाय लेंथ की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है, दैट इज ओनली सरफेस टेंशन, ठीक है। अभी तो खाली बस तुमको अभी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, लिख लो खाली इसको, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज हाँ, ये एक बार रेगुलर रेगुलर क्लास में होगा ये, तो पहले नोट कर लो एक बार, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस,
एक्टिंग परपेंडिकुलरली एक्टिंग एट राइट एंगल ठीक है। इसको जरा सा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन को इसको अच्छे से नोट कर दो। कोई भी सरफेस ले लो, वहां पे लाइन को ड्रॉ कर लो। इधर वाले सरफेस को इधर वाला लिक्विड खींचता है, इधर वाले सरफेस को इधर वाला लिक्विड खींचता है, ठीक है। जो भी फोर्स होगा इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ठीक है, इनके बीच में, ये सिर्फ थ्योरी की बातें हैं क्योंकि फोर्स को ऐसे नहीं नापा जा सकता, इसके अलग तरीके होते निकालने के। जो भी फोर्स होगा उनके बीच में, ठीक है, उसको हमने इस लेंथ से डिवाइड कर दिया। यही चीज क्या कहलाती है? सरफेस टेंशन कहलाती है। ये याद रखना, कोई भी लिक्विड के लिए जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। इसके पानी का अपना सरफेस टेंशन होता है, मर्क्यूरी का अपना सरफेस टेंशन होता है। अगर हमने इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इधर वाले का सरफेस और फिर पूरा इधर वाले का सरफेस, ठीक है, इधर वाले का सरफेस हमने देखा अगर, ठीक है, तो यहाँ का अगर हमने देखा, ठीक है, इधर वाला सरफेस इधर वाले को खींचेगा, इधर वाला इसको खींचेगा। जो फोर्स हमने निकाल लिया, कुछ फोर्स कुछ अलग आएगा लेकिन ये लेंथ भी अलग आ जाएगी, रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस, इन प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस एक्टिंग एट राइट एंगल, एक्टिंग एट राइट एंगल 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन, ऑन द आइदर साइड ऑफ द, मतलब इधर इस इधर ले लो, इधर पे लगने वाला फोर्स या इधर पे लगने वाला, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सरफेस टेंशन की अगर आप बात करें तो सरफेस टेंशन करता क्या है लिक्विड के लिए, ठीक है, व्हाट डज इट डू, मेन चीज ये है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ये एक इंटर पूछा जाएगा बेसिकली सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ये कैसा होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होता है। अगर यही मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स अगर लिक्विड के सर्फेस पे लगता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्फेस टेंशन, और अगर ये लिक्विड के अंदर लगता है ना, तो हम लोग वहां पे, फिर वहां पे सरफेस टेंशन यूज नहीं कर सकते हैं। वहां भी नेचर कैसा होता है? सरफेस टेंशन का ही होता है, ठीक है। तो वहां भी नेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर सरफेस पे लगता है तो सरफेस टेंशन अंदर लगेगा, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन नहीं बोल सकते। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है इट मिनिमाइजेस द एरिया ऑफ द लिक्विड। व्हाट डज इट इट मिनिमाइजेस एरिया ऑफ सरफेस। अब ये क्यों ये काम करता है, इस पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन ये हमेशा क्या करता है? एरिया को मिनिमाइज करता है। कभी सोचा है कि तुम अगर कभी भी पानी की बारिश की जब बूंदे गिरती हैं, तो जो बूंदों का शेप होता है, अगर वो छोटे ड्रॉप्स होते हैं ना, तो उनका शेप हमेशा स्पीयर होता है। क्यों होता है स्पेरिकल शेप? इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। जैसे मान लो तुमने 1 cm³ वाटर लिया और तुमने उस 1 cm³ वाटर से तुमने सिलेंडर बनाया, तुमने कोन बनाया, तुमने क्यूब बनाया, तुमने स्फीयर बनाया, ठीक है, 1 cm³ वाटर, और हमने सबका सरफेस एरिया निकाला है ना, सरफेस एरिया इसका इसका इसका, क्या देखा गया? 1 cm³ वाटर के लिए सबसे कम सरफेस एरिया किसके लिए होता है? वाटर ड्रॉप, सबसे कम सरफेस एरिया। ये जो कम एरिया होता है, ये किसकी वजह से हुआ? ये सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि हमेशा क्या कम करना चाहता है? एरिया कम करना चाहता है।
ये क्यों एरिया कम करना चाहता है, इस सवाल पर लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा ये सवाल एग्जाम में, व्हाई डू वाटर ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप, ठीक है, तो लिख करके आना वहां पे, दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एरिया, ठीक है, एंड फॉर एनी फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर द मिनिमम एरिया इज ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ड्रॉप्स हैव स्मॉल ड्रॉप हैव, तो नोट कर जाना, ठीक है, स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना बहुत कॉमनली पूछा जाता है, इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। तुम लोग घबराने की बात नहीं है, जो सरफेस टेंशन टॉपिक है ना, इसकी पता है फील तुम कभी भी शुरू में तुमको नहीं आएगी, ठीक है। यही जैसे जैसे तुम चैप्टर पढ़ोगे ना, तुमको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि इस चैप्टर में हो क्या, ठीक है। तुमको इसमें कुछ ज्यादा मतलब घबराने की बात नहीं है कि यार ये हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेक्चर जैसे जैसे आगे जाएगा ना, तुमको अपने आप चैप्टर की फील आना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा रबड़ के बलून से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इधर उधर के थोड़े एग्जांपल्स लेंगे, मजा आएगा पढ़ते। उसके बाद एक एग्जांपल ले लो, एक ये क्वेश्चन है, ये सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए कि मान लो हमारे पास ना एक ऐसे करके एक रिंग है, क्या एक रिंग, रिंग ले लो, बैंगल ले लो, ठीक है। और इस बैंगल में हमने क्या किया, इस बैंगल में हमने बड़े ध्यान से हमने यहाँ पे सोप का फिल्म बनाया, फिल्म समझ में आता है ना, मूवी वाला फिल्म नहीं, वो जो सोप का हमने सोप वाटर में इसको डुबोया है ना, हम लोगों ने इस पे ऐसा करके ठीक है, हमने यहाँ पे लेकर के ना एक बना दिया, एक सोप का फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे। फिर हमने क्या किया, हमने एक धागा लिया, धागा पतला सा धागा, जिसे हम लोग कैसे कपड़े सिले जाते हैं, बहुत पतला सा धागा, उसकी शेप ऐसे कोई भी शेप हो सकती है, वो धागा लिया हमने और यहाँ पे बड़े ध्यान से हमने धागे को ऐसा ला करके रख दिया, ठीक है। और इस धागे को रखने के बाद हमने क्या देखा कि धागे को रखने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने एक निडिल ली, ठीक है, और निडिल नोखीली सी निडिल ली और हमने क्या किया इसको यहाँ पे आके ना बीच में प्रिक किया, प्रिक बड़े ध्यान से किया ताकि अंदर का जो फिल्म है ना वो गायब हो जाए। जैसे अंदर का फिल्म गायब हुआ, ठीक है, ये अंदर का फिल्म गायब हो जाए, हमने क्या देखा एक जादू कि ये जो धागा है ना, जो पहले आड़ा टेढ़ा कोई भी शेप का था, वो बिल्कुल से फैल करके जो है सीधा हो जाता, इस तरह।
ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो शेप है ना, ये कैसी रहती है? ऐसी। ठीक है, ये शेप ऐसी हो। अब हमसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ अचानक से कि ये जो धागा जो है, इसकी जो शेप है, ये वही लूप है उसकी जो शेप है, ये परफेक्ट सर्कल क्यों बन जाती है? ठीक है भाई, स्क्वायर स्क्वायर नहीं बनती है, रेक्टेंगल नहीं बनती है, रोम्बस नहीं बनती है, सर्कल ही क्यों बनती है? ठीक है, अब इस सवाल का आंसर भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी में छिपा हुआ है। अगर तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है, कोई बच्चा पूछ ले कि सरफेस टेंशन क्या होता है, तुम सीधी भाषा में एक ही आंसर दोगे, सरफेस टेंशन इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, बस तुमको इतना ही याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो एरिया को हमेशा कम करती है। ठीक है, कौन? अब देखो, अगर मान लो मैंने अगर ये चीज को देखा, तो ये शेप सर्कल क्यों होता है? क्योंकि वो एरिया को क्या कम करता है? कम करता है। अब तुम सोचो, मान लो मैंने अगर एक ही धागे के लिए अलग अलग शेप लिया, इस तरह ऐसे सर्कल लिया, ऐसे बने स्क्वायर लिया, ऐसे बने रेक्टेंगल लिया, ठीक है, तो फॉर अ गिवन लेंथ सबसे ज्यादा एरिया होता है सर्कल के लिए। सबसे ज्यादा एरिया किसके लिए होता है? सर्कल के लिए होता है। ठीक है, बस इसको याद रखना। फॉर गिवन लेंथ मैक्सिमम एरिया इज ऑफ सर्कल एंड फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम एरिया इज फॉर स्फीयर। ठीक है, ये प्रूफ होता है, ठीक है, मास की मैक्सिमम मिनिमम। फॉर गिवन लेंथ द मैक्सिमम एरिया इज फॉर सर्कल। अगर सर्कल का मैक्सिमम एरिया होगा, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है उसका एरिया कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। और क्योंकि देखो, अगर ये सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है, तो बाहर का एरिया सबसे कम हो जाएगा ना। सरफेस टेंशन क्या करता है? एरिया को मिनिमाइज करता है। कौन से एरिया को मिनिमाइज करता है? जहां पे लिक्विड होता है उस एरिया को मिनिमाइज करता है। उस एरिया को मिनिमाइज करने के इसका एरिया कैसा करेगा? ये मैक्सिमम। ठीक है, आई बात समझ में? इसको मैं दो तरीके से तुमको समझाऊंगा अभी। ठीक है, एक तरीका ये, एक तरीके से और समझाऊंगा, पूरा का पूरा क्लैरिटी मिलेगा। देखो, हियर लूप टेक सर्कुलर शेप बिकॉज फॉर गिवन लेंथ सर्कल है मैक्सिमम एरिया, दस फिल्म गेट्स मिनिमम एरिया। एंड सरफेस टेंशन हैज प्रॉपर्टी टू मिनिमाइज। ठीक है, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एरिया को मिनिमाइज करना। क्वेश्चन ये था कि व्हेन अ फिल्म इज प्लेस्ड, व्हेन अ लूप इज प्लेस्ड ऑन अ फिल्म एंड इट इज प्रिक्ड, व्हाट शेप डज द लूप टेक एंड व्हाई? तो आंसर है, लूप विल टेक द शेप ऑफ द सर्कल। ठीक है, हियर लूप टेक द सर्कुलर शेप। कोई दिक्कत किसी को समझने में? व्हेन द लूप इज ब्रेक व्हाट शेप डज द लूप टेक? तो आंसर है, लूप टेक्स अ सर्कुलर शेप। क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके एक
विंड फिल्म इन लूप इज क्विक व्हाई इट टेक्स सर्कुलर दिस इज आंसर तो इसी चीज को अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ ना दूसरे तरीके से, ठीक है, तो मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ। देखो यही चीज कि क्यों स्फेरिकल शेप लिया, क्योंकि तो पता क्या होता है सरफेस, देखो जब तक कि ये जो शेप था ना ऐसा था, ऐसा यहाँ पे अगर हम सरफेस, ये पहले जो इसकी जो शेप थी ना, पहले इसकी शेप ऐसे था, इसके ऊपर ना फोर्स अंदर भी लग रहा था बाहर भी लग रहा था, अंदर बाहर ऐसे लग रहा था सरफेस टेंशन की वजह से, अंदर ऐसे लग रहा था सरफेस टेंशन की वजह से, यहाँ पे ऐसे लग रहा था बाहर, अंदर ऐसे लग रहा था, क्योंकि तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, खींचते, ऐसे खींच रहा था और ऐसे भी खींच रहा था, परपेंडिकुलर दोनों तरफ से लग रहे थे, इधर भी लग रहा था इधर भी लग रहा था, क्योंकि अंदर फिल्म और बाहर दोनों जगह फिल्म, नेट फोर्स क्या था जीरो, जैसे रखा ना हमने वैसा का वैसा रखा हुआ, लेकिन जैसे हमने अंदर से फोड़ दिया ना इसके फिल्म को, तब खाली फोर्स लगता है बाहर, जब फोर्स लगेगा ना बाहर उस सिचुएशन में, खाली अगर फोर्स बाहर लगेगा, सोचो तुम खाली फोर्स अगर बाहर लग रहा है हर तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलरली, ये जो बाहर जो फोर्स लगता है ना, ये इसको परफेक्ट सर्कल का शेप दे देगा। तुम एक काम करो, रबर बैंड ले लो अपने घर पे, छोटी बजे लगा के, रबर बैंड का शेप ऐसा होता है, ठीक है, जो जो क्या कहते हो, जो जो प्लास्टिक के रबड़ आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, और बीच में अपने फिंगर्स को इस पे डाल दो, ठीक है, फिर अपनी उंगलियों को समेट लॉस के अंदर डाल दो और उंगली को ऐसे फैलाओ, है ना, मतलब ऐसे अपनी उंगली को तुमने डाल दिया अगर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, और तुमने उंगलियों को बाहर की तरफ फैलाया, जब बाहर की तरफ फैलाओगे ना, तो ये जो इसका इरेगुलर शेप है ना, ये कैसा आ जाएगा सर्कल के, देखना तो अप्रोक्सीमेटली सर्कल आ जाएगा। तुम्हारे खाली फाइव फिंगर्स है, वहां पे तो तुम्हारे इन्फिनिट पॉइंट पे तुमने फोर्स अप्लाई करो परपेंडिकुलरली, तो शेप कैसा आ जाएगा इसका, सर्कल आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से फैला, ये देखा देखा जाए तो ऐसा किसकी वजह से हुआ, ये तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वजह से हुआ ना, यहाँ जो जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने इस दूध के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से फैलाना ये, ठीक है, हम वैसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड फील हमको, सेकेंड वाला हमको ज्यादा बेटर फील देता है कि देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने इसके ऊपर लगाया फोर्स, जिसकी वजह से इसका शेप इरेगुलर से परफेक्ट सर्कल हो गया, ठीक है। और दूसरा अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उसको यहाँ से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के दो तरीके, एक फोर्स से है और एक उसकी प्रॉपर्टी से। और ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो अगर यहाँ पे लिक्विड का एक सरफेस है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है, समझ, अंदर वाले भी रेस्ट पे, बाहर वाले भी रेस्ट पे, ठीक है, और दोनों अपना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। मान लो हमने क्या किया, एक सोप का फिल्म बनाया, एक ऐसे हमने एक मेटल का हमने ऐसे वायर लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सोप का फिल्म यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ऐसे हमने बना करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। हम थोड़ी देर बाद आकर के देखते हैं, या हमने यहाँ पे जब इसका से बनाया और छोड़ा ना हमने, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये जो फिल्म का जो एरिया है ना, ये कम हो रहा है और धीरे धीरे ये जो पार्ट में दिख रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्यों अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और सरफेस वो फोर्स क्या कराता है, सरफेस टेंशन कराता है, और वो सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को मिनिमाइज करता है, यहाँ पे क्या करेगा, एरिया को ये कम करेगा ना, और धीरे 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 अंदर जाएगा और ये पूरा पूरा फिल्म क्या होता है, ये अपने आप गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों गायब होता है,
दो तरीके से समझ सकते हो, सरफेस टेंशन है, फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा और एरिया कम होगा। दूसरा तरीका, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है एरिया को मिनिमाइज करना, एरिया को मिनिमाइज करेगा और ये अंदर की लगत के श्रिंक करके खत्म होगा। आई बात समझ में? हाँ, अगर इसको ऐसा रखते हम लोग, अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि श्रिंक ना करे, ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऐसे फिल्म हमने अगर ऐसा रख दिया, अगर हम चाहते हैं कि ये, या इसी केस पर अगर हम चाहते हैं कि ये श्रिंक ना करे, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा ताकि ये श्रिंक ना करे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, ये चीज याद रखनी है तुमको कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है एरिया को मिनिमाइज करना। सरफेस टेंशन कैसा फोर्स होता है, वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है जो कि लगता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि लिक्विड के सरफेस पे होते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था फोर्स परपेंडिकुलर बाय लेंथ, ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाता है, एमएलटी माइनस टू बाय एल, दैट इज एम एल जीरो टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी सरफेस टेंशन बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं तुमको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। कि मान लो कभी कभी तुम पता है ये जो मच्छर होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, वो मच्छर जो जो स्प्रे करने के लिए आते हैं, वो कहीं पे मच्छर होता है तो क्या करते हैं, जहाँ पे खुला पानी होता है ना, ठीक है, वहां पर ना कुछ दवाई छिड़कते हैं। दवाई छिड़कते से क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वाटर के, ठीक है, सरफेस, इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक है, सरफेस, ठीक है, वो जो फोर्स लगता है ना, हाँ, रिजॉइन करना अभी, वो जो फोर्स लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब सोचो यहाँ पे अगर एक मॉस्किटो जैसे बैठेगा यहाँ पे आकर, ठीक है, क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल जो होगा ना, वो थोड़ा नीचे चला जाता है, वो हल्का सा क्या करेगा, वो नीचे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये वाला मॉलिक्यूल अभी इस मॉलिक्यूल को इधर खींच रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, यहाँ बैठा था एक मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटो के वजन की वजह से मॉलिक्यूल नीचे चला गया, अब इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। अब देखो, जब ये मॉलिक्यूल एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अगर हमने देखा इसका रिजल्टेंट फोर्स था, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, मान लो अगर ये एंगल थीटा है, तो एफ कॉस थीटा, तो टू एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। और ये क्या करता है, ये जो एक्चुअली यही जो इंट्रो मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, देखो इसको सरफेस पे, यही वाला फोर्स क्या करता है, उस मॉस्किटो के वजन को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे डूब नहीं पाता। अब जो ये जो जो आते हैं, जो जो हम लोग इसके ऊपर कोई दवाई छिड़कते हैं या कोई केमिकल छिड़कते हैं, तो केमिकल क्या करता है, वो केमिकल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, कि वो इनके फोर्स को वीक कर देता है, मॉलिक्यूल्स वीक कर देगा ना, जैसे मॉस्किटो बैठेगा ना, ये इतना इतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, ये और अंदर चला जाता है, ठीक है, फोर्स इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये और अंदर चला जाता है, फोर्स इतना नहीं रह पाता, और मॉस्किटो क्या करता है, पानी में जाकर के सिंक कर जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो ना, यहाँ पे फोर्स उतना स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, ये और अंदर, ये बैठा, वजन लगाया, ये हल्का सा अंदर गया, फोर्स इसको संभाल लिया, अगर ये फोर्स कम पड़ जाता है, ये तब अंदर चला जाता, ठीक है, अंदर चला जाता, अगर ऐसे कहाँ फोर्स, ये इधर मॉलिक्यूल है, ये इधर मॉलिक्यूल है, फोर्स इतना नहीं हो पाएगा, तो मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, वो अंदर जाकर के वो सिंक कर जाता, ठीक, जैसे कैसे होता, मान लो एक इलास्टिक का होता है ना, ठीक है, तुम ऐसे इलास्टिक है, तुम बैठे यहाँ पे, ठीक है, ये इलास्टिक अंदर ऐसे दब जाता है, ये ऐसे हो जाता है, तुम्हारा इधर लगता है फोर्स, इधर लगता है फोर्स, तुम बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन सोचो अगर वही, अगर ये कमजोर हो जाता, ठीक है, यहाँ पे इतना फोर्स नहीं हो पाता, ठीक है, ये पूरा और नीचे चला जाता, ठीक है, फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, तुमको अंदर धस जाते ना, ठीक है, इसलिए
ये मॉस्किटोज के साथ भी कुछ ऐसा होता है, वो जो लिक्विड होता है ना एक्चुअली केमिकल, वो एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को डिक्रीज कर देता है, हम ऐसा बोलते हैं कि वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मॉस्किटोज होते हैं सिंक कर जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल जो होती है वो पानी में सिंक कर जाती है, लेकिन अगर हम पिन लेते हैं ना आयरन का पतला सा पिन, वो पता पानी में सिंक नहीं करता, उसकी भी डेंसिटी तो आयरन से ज्यादा होती है, क्यों, सेम प्रॉपर्टी। तो जितना सरफेस टेंशन के बारे में तुम लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है, आई होप आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लो।